आजकल दोस्तों एक भाई कमेंट आया था कि हाथों हाथ कनेक्शन लेने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे। भाई का नाम ही मैं बताता हूँ, सुभाष राव भाई का नाम है। ये कह रहे हैं कि हाथों हाथ कनेक्शन लेने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? ये बिजली के ठेकेदार काफी ज्यादा पैसा है। दोस्तों ऐसा है, बिजली कनेक्शन 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक नॉर्मल जो STSC के लिए अप्लाई किया जाता है, जो कि 3 से 4 महीने में मिल जाता है। दूसरा होता है OBC जनरल के लिए, जो कि करीबन 7 से 10 साल में मिलता है। तीसरा स्पेशल कनेक्शन जो कि OBC और जनरल के लिए होता है, जिसमें आपको 3 महीने के अंदर मिल जाता है कनेक्शन। पर उसमें जो कनेक्शन मिलता है उसमें जितना आपका मटीरियल लगेगा उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। नॉर्मली बात करता हूँ, अगर आपके 2 खंभे और एक ट्रांसफार्मर लगता है तो 1,10,000-15,000 रुपये भरने पड़ते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आपके 10 खंभे लगेंगे उदाहरण के तौर पर, तो आपका यही बजट 2 से 3 लाख के आसपास आराम से चला जाएगा। मोस्टली होता क्या है कि सरकार कहती है अगर आपको जल्दी कनेक्शन चाहिए तो आप अपना जितना मटेरियल लगे उतना पैसा भरिए और अपना कनेक्शन लीजिए। ऐसा ही है कि अगर आपकी जो 3 फेज की लाइन है बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको जितने खंबे लगेंगे उसी एक खंबे का 10 से 12-15 हज़ार रुपये होता है उस खंबे, क्योंकि सिर्फ खंबे का मटेरियल यूज नहीं होता कि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में दूरी होती है, उस दूरी के बीच में तार भी लगती है, उस तार का भी मटेरियल उसी में ही जुड़ता है। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, जहाँ पर 2 खंभे मतलब अगर आपके 3 फेज लाइन आपके खेत से ही जा रहे 2 खंभे लगे और ट्रांसफार्मर उसके ऊपर रखा जाएगा तो आपके तारे लगकर करीबन 1,10,000-15,000 रुपये लगेंगे। अब कई जगह पर ऐसा भी होता है किसी के मोटर के पास में पहले से 3 फेज कनेक्शन गया होता है, वहाँ पर एक खंभा लगा हुआ होता है, तो उसके पास में अगर एक खंभा लगकर बीच में ट्रांसफार्मर रखते हैं तो वहाँ पर 1 लाख के बराबर में ही आपका पैसा लगता है, 95 या फिर 1 लाख के अंदर अंदर ही रहता है। अगर वहीं पर मटेरियल ज़्यादा है, मान लीजिए 5 से 6 खंभे लगते हैं, तो आपका करीबन यही बजट 2 लाख के आसपास जाएगा। ये भाई कह रहे हैं कि हमारे खंबे लगेंगे 3 खंबे, 3 खंबे लगेंगे तो 3 खंबे अगर अलावा से लग रहे हैं और 2 खंबे आपके ट्रांसफार्मर में लग रहे हैं तो करीबन 5 खंबे तो 2 लाख आराम से आपको भरना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा एक और बता दूं, अगर आप कहते हैं ये दोस्तों होता है क्या, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपका जो बिजली विभाग का एक कर्मचारी आकर डिसाइड करता है, चेक करता है कि कितने खंबे लगेंगे। उस समय क्या होता है, वहाँ से एक हमें डाक के द्वारा एक डिमांड भी भरी मतलब भेजी जाती है, एक मतलब कागज के ऊपर इतना लिखा होता है कितना कितना क्या किस चीज़ का पैसा लग रहा है और आपको इतना भरना पड़ेगा। अगर जब आपके घर पर वो डाक है, अगर आप वो पैसा भर दे तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर प्रॉपरली लिखा होता है कि इतना पैसा। सीधा कोई भी बिजली विभाग पैसा नहीं मांगता कि हाँ भाई 2 लाख दे दीजिए और लाइट कनेक्शन ले लीजिए, ऐसा नहीं होता। वो बस आपके मतलब लंबा प्रोसेस हो, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होता, मतलब वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए बिजली घर में, आपके लोकल बिजली घर से एक बंदा आएगा जो आपके मीटर की रीडिंग देखना आता है नॉर्मल घर की, वही बंदा आता है चेक करता है कितने खंबे लगेंगे, वो वहाँ पर अपने मेन हेड ऑफिस में बता देते हैं कितने खंबे लगेंगे, उसी पर वो डाक घर से मतलब डाक घर में वो एक डाक डालते हैं, उसी में डिमांड लिखा होता है कितना भरना पड़ेगा, वो हमारे घर पर आ जाती है, उसमें लिखा होता है उतना हमें पैसा लेकर जाकर भरना होता है। इसमें कोई भी झोल झाल नहीं है, ये आपको भरना ही पड़ेगा तभी आपको लाइट कनेक्शन मिलेगा। बट 7 साल से बेस्ट है 3 महीने में लेने के लिए आपका पैसा लगा हुआ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।